हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अंजन कुमार। आप देख रहे हैं मेरे चैनल CNC कैडकम अंजन कुमार। आज हम पावर मिल 2020 में मॉडल को कैसे ट्रांसफॉर्म में ओरिजिन सेट करते वो हम देखेंगे आज। ओके, हमारे पास एक मॉडल है जो कि हम ऐसे टॉप व्यू रखे तो ऐसा हमारे को टॉप में भी नहीं है और फ्रंट व्यू में रखे तो ऐसा हमारे को क्रॉस में है, एंगल में है। इसको हम ट्रांसफॉर्म में जीरो कैसे सेट करने का है, कैसे रोटेट करना है, कौन सा एक्सिस रोटेट करना है, इसको टॉप पोजीशन कैसे सेट करना वो देखेंगे। प्लस हम और देखेंगे क्या अलग अलग एक्सिस रोटेट करके हम ये जो हमारा अलग अलग प्लेन में साइड व्यू में टॉप व्यू में फ्रंट व्यू में पूरा साइड में हमारा ऑपरेशन है, तो हम ट्रांसफॉर्म के मदद से कैसे हम जीरो सेट करेंगे वो आज देखेंगे हम इस वीडियो में। हमारे को नॉर्मली वर्क प्लेन में सेट करने को सिंपल है, लेकिन ट्रांसफॉर्म में थोड़ा क्रिटिकल है। सेम मॉडल को मैं और एक वीडियो में, इसका नेक्स्ट वीडियो में दिखाएगा आप लोग को कि वर्क प्लेन का मदद से कैसे हम उसको प्लेन सेट कर सकते। फिलहाल इस वीडियो में ये करके दिखाएगा कि हम ट्रांसफॉर्म जो हम मॉडल को मैन्युअली रोटेट करके हम कैसे सेट करते हैं। ओके, ज़्यादातर प्रोग्रामर क्या करते हैं कि हमारा जो वर्क प्लेन है वो यूज नहीं करते, ट्रांसफॉर्म में रोटेट करके सेट कर रहे, सेट करके प्रोग्राम जनरेट करते। लेकिन ट्रांसफॉर्म में जो रोटेट करते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम वेस्ट भी होता और मेहनत भी उसमें ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा है। और वर्क प्लेन में हमारा सिंपल है, ये जो प्लेन सेट करना एक्स वाई प्लेन, टॉप प्लेन, फ्रंट प्लेन, साइड प्लेन, राइट प्लेन, कौन सा भी वो सेट करने के लिए बहुत सिंपल है। वर्क प्लान यूज करके करें तो हमारे को बहुत सिंपल होता है, लेकिन हम ट्रांसफॉर्म यूज करके करें तो ज़्यादा डिफिकल्ट है और टाइम भी ज़्यादा लेता है। ओके, ठीक है। तो कोई कोई प्रोग्रामर को आदत है ऐसा ट्रांसफॉर्म में घुमा के करने के लिए, वो हम ये भी देख लेंगे, ये भी कैसे सेट करते देखेंगे। प्लस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्क प्लान का यूज करके हम कैसे प्लान सेट करते हैं। और इससे जो पहले वीडियो में मैं भी वो भी एक ट्रांसफॉर्म का वीडियो बनाया था, वो भी क्या उसमें क्या जीरो सेट करके और एक्स वाई रोटेट करके पोजीशन में लेके आया था, लेकिन मेरा व्यूअर ने थोड़ा कमेंट करके बताया कि उनको एक्स वाई जेड तीनों में रोटेशन करके दिखाने का कैसे करने का। ओके, ये वीडियो में वो करके दिखाएगा। पहले तो हम देखेंगे ये जो हमारा मॉडल है वो पोजीशन में नहीं है, पोजीशन बोल तो टॉप व्यू रखे तो हमारा क्रॉस में आ रहा है। पहले ये हम इसको स्ट्रेट करेंगे। ओके, पहले हम टॉप व्यू सेट करेंगे, बाद में रोटेट करके अपोजिट साइड वो भी देखेंगे कैसे वर्क प्लान सेट करना है। ओके, सबसे पहले हम ये जो मॉडल है उसको चेक करेंगे ये कितना डिग्री है, तो हम उतना डिग्री रोटेट करेंगे। ओके, फ्रंट व्यू उन्हें रखेंगे, यहाँ पे फ्रंट व्यू रख दिया, इसको हम चेक करेंगे कितना डिग्री है हमारा जो ये टॉप प्लेन से हमारा कितना डिग्री रोटेट में है। मेजर में जाएंगे सबसे पहले मेजर। ओके, अभी हमारा टैब होम टैब में है, ये पावर मिल 2020 है, तो दूसरा इससे जो लोअर वर्सन है उसमें थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन इससे जो हायर है वो सेम रहेगा। ओके, ये 2020 है हमारा, ये अभी हमारा होम टैब में है। होम टैब में रहने का टाइम में यहाँ पे मेजर भी आता, कैलकुलेट वो सब आता। हम मेजर में जाएंगे, मेजर में जाने के बाद यहाँ पे
डिग्री चेक करने के लिए एंगल मेजरमेंट करने करने के लिए एक ऑप्शन है, ओके माइनर एंगल, यहाँ पे मेजर एंगल, हम माइनर एंगल में जाएंगे, उतना मेजर एंगल का ज़रूरत नहीं अभी। माइनर एंगल में जाके देखेंगे हम ये जो हमारा कितना डिग्री में है प्रेजेंटली, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम मॉडल में, ये जो मॉडल है इसमें दो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, पहले यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, सेम लास्ट में आके ऑटोमेटिक वो पॉइंट डिटेक्ट करता है, वो ऑटोमेटिक ऐसा, उसके बाजू में गए तो उधर एक पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट ले लिया। बाद में हम सीधा करेंगे ऐसा, ये लाइन को ऐसा हम सीधा करेंगे, अभी सीधा हो गया तो डडल लाइन आ जाता है ऐसा, ओके अभी डडल हो गया, कैसा सीधा हो गया, देखिए सीधा हो गया तो हमारा कितना है एंगल, एंगल हमारे को ये हमारा कितना आ रहा है 45 डिग्री है, ओके हमारा 45 डिग्री है, ऐसे चेक कर सकते, कहाँ से भी चेक कर सकते, ये दो बड़ा पॉइंट भी ले सकते हैं, नहीं तो ये जो यहाँ से भी ऐसा ले सकते, ऐसा दो पॉइंट लेने के बाद ये सीधा करना कितना 45 डिग्री है, वो भी 45 डिग्री है, 45 डिग्री है हमारा अधिकार है, तो हम 45 डिग्री रोटेट करेंगे, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके हम 45 डिग्री रोटेट करना है, फर्स्ट मॉडल को टॉप व्यू में रखेंगे, यहाँ से ऐसा सिलेक्ट किया, ओके मॉडल पूरा सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक एडिट में गया, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में आने के बाद हमारा को इसको ये मॉडल को रोटेट करना है, ओके रोटेट करना है तो हम यहाँ पे 45 डिग्री दे देंगे, 45 डिग्री माइनस में रखेंगे, 45 डिग्री यहाँ से तो माइनस में जाएगा, 45 डिग्री तो दे दिया, लेकिन कौन सा एक्सिस घुमाना, ओके ये हमारा 45 डिग्री घुमाना का है, एक्स वाई जेड कौन सा घुमाने का है वो भी देखेंगे हम, हमारा जो घुमाने का है हमारा ये फ्रंट प्लेन है, एक्स वाई कैसा है, ये जेड हमारा ऐसे है, एक्स ऐसा है, वाई सीधा है, ओके हम कौन सा रिफरेंस का, रिफरेंस कौन किसको लेके, कौन सा एंगल, कौन सा एक्सिस को रिफरेंस लिए तो वो घूमेगा बराबर, ओके हमारा जो अभी रिफरेंस एक्सिस है वो कौन सा है, हमारे एक्स वाई प्लेन ऐसे सीधा दिख रहा है, जेड एक्स प्लेन दिख रहा है पूरा, वाई हमारा ऐसा फ्रंट में है, तो हम अभी किसको लेंगे, ये एक्स जेड में घुमाने के हमारा, तो वाई हमारा रेफरेंस है, तो वाई में क्लिक करें तो हमारा रोटेट होता है, ओके वाई में क्लिक करेंगे, वाई में क्लिक कर दिए तो हमारा सीधा हो गया मॉडल, ओके सीधा होने के बाद एक्सेप्ट। अभी हम टॉप व्यू में देखेंगे, टॉप व्यू मॉडल हमारा सीधा हो गया, ये हमारा टॉप है, ये हमारा सीधा हो गया, ओके सीधा हो गया मॉडल। अभी नेक्स्ट हम सेट करेंगे एक्स वाई, सेट करेंगे, सेट करने के बाद अलग अलग एक्सिस में घुमाएंगे, ओके अभी हमारा एक्स वाई सेट करने के लिए हमारा डिस्टेंस देखना पड़ता है, इसका जो सेंटर है ये कितना है, ये जो ओरिजिन हमारा, ये ओरिजिन में ये जो मॉडल है इसका सेंटर है, ओरिजिन में लेकर आना पड़ता है, ओके सेंटर आना था कॉर्नर आना था कौन सा भी, सपोज हमारा ये कॉर्नर लेके आएंगे ये सेंटर में, इसका जो ओरिजिन है ये कॉर्नर पॉइंट, जो ये जो पॉइंट है ना उसको हम लेके आएंगे, ये जो पॉइंट है ये कॉर्नर को हम ये ओरिजिन में सेट करेंगे, ओके इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्लॉक ले लेंगे, ब्लॉक सिलेक्ट किया, मॉडल को सिलेक्ट कर देंगे, ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक में जाने के बाद कैलकुलेट, कैलकुलेट हो गया, हमारा पोजीशन देखना है कितना है, ओके हमारा जो वाई है, वाई हमारा बराबर है बोल तो वाई सेंटर में, इसको मॉडल का सेंटर में, यहाँ से जितना दूर है वहाँ से उतना दूर है, वाई हमारा माइनस 75 प्लस 75 है, जेड ज़्यादा है, पहले एक्स वाई सेट करेंगे बाद में जेड सेट करेंगे, एक्स हमारा जो है मिनिमम,
मिनिमम हमारा क्या दिखा था, ये जो कॉर्नर को मिनिमम पॉइंट दिखा था, मैक्सिमम जो दिखा था ये एंड पॉइंट को दिखा था। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा मिनिमम है, एंड पॉइंट हमारा यहाँ पे मैक्सिमम में दिखा था, और ये जो दिखा था लेंथ, टोटल ये मॉडल का लेंथ दिखा था। ओके, सेम वाई में भी वैसे दिखा था, क्या दिखा था, ये लेंथ है टोटल 150 है, और रिफरेंस जो है ये सेंटर से, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, हमारा ये मिनिमम दिया माइनस में मैक्सिमम, मिनिमम भी 75 है, मैक्सिमम 75। फिलहाल अभी हम पहले एक्स को सेट करेंगे। एक्स को सेट करने के लिए हमारे पास क्या है, ओरिजिन से हमारा मिनिमम पॉइंट कितना है, जो डिस्टेंस है अभी हमारा 41.421356 ऐसा है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे इसको, हम ऐसा आज कॉपी करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर दिया, मॉडल को सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, एडिट, एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद एक्स, एक्स हमारा ए साइड में आएगा तो माइनस दे देंगे, माइनस, तो ये हमारा डायरेक्ट इसको पेस्ट करेंगे, डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, तो ये प्लस में है तो माइनस में आएगा। ओके, माइनस में दे दिए, हमारा को क्या, किसको क्लिक करना है, हमारा एक्स वाई जेड है तो हमारे को यहाँ पे एक्स चाहिए, एक्स को यहाँ पे हम क्लिक किया तो एक्स हमारा आ गया, एक्सेप्ट। ओके, एक्स आ गया, एक्स हमारा सेट हो गया, ऐसे देखे तो एक्स हमारा यहाँ पे सेट हो गया। अभी वाई को लेकर ना, ये कॉर्नर में वाई को लेने के लिए हम सेम वाई कितना है, अभी एक बार फिर ब्लॉक चेक करेंगे कितना आया, सिलेक्ट कर दिया, ब्लॉक कैलकुलेट, हमारा एक्स जो है मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 200 है, लेंथ 200 है, हमारा यहाँ पे ये फेस में एक्स आ गया। अभी वाई, वाई क्या करना, वाई को हम प्लस करेंगे। ओके, सेम अभी माइनस है तो प्लस करेंगे, इसका अपोजिट आएगा, कॉपी, मॉडल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, एडिट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हम यहाँ पे ऐसा डबल क्लिक भी कर सकते हैं, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा सिलेक्ट करके भी पेस्ट कर सकते हैं। 75 माइनस में, तो हम यहाँ पे माइनस निकाल देंगे, प्लस में चाहिए हमारे, क्या चाहिए, वाई, वाई हम क्लिक कर दिया, एक्सेप्ट। ओके, ये हमारा अभी देखे तो कॉर्नर में सेट हो गया। ओके, ये हमारा कॉर्नर में ओरिजिन सेट हो गया। सेम अगर सेंटर में सेट करना है तो यहाँ पे सिंपल आ गया, तो हमारा ऐसे ब्लॉक सिलेक्ट किया, ब्लॉक पे कैलकुलेट कर दिया, अभी हमारा 200 लेंथ है, मिनिमम 0 में है, 200 लेंथ है, तो वाई भी सेम मिनिमम 0 है, 150 लेंथ है, तो हमारा वाई अगर सेंटर में करना है तो इसको, इसका हाफ 100 शिफ्ट करना, इसका हाफ 75 शिफ्ट करना, तो हमारा सेंटर में सेट हो जाता। ओके, ये हमारा तो एक्स वाई सेट हो गया ओरिजिन। नेक्स्ट हम जेड सेट करना, जेड कहाँ पे करना, ऊपर में टॉप, जेड सेट करना सिंपल है, हम कुछ नहीं करना, ब्लॉक में भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम ऐसा इसके ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे दिखा था हमारे को जेड प्लस में कितना है। ओके, यहाँ पे ये कितना है, ये भी उतना है, ये प्लस उतना है, हम यहाँ से कॉपी करना। ओके, सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करना सिंपल है, हमारा जो माउस का जो लेफ्ट साइड बटन है, जहाँ पे जिसको सिलेक्ट करना उसका ऊपर ऐसा क्लिक कर दिया तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ऐसा दबा के उसको ऐसा सिलेक्ट कर दिया तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, उसका बाजू में लेके माउस का जो लेफ्ट साइड बटन है वो दबा के ऐसा माउस को थोड़ा खींचना साइड में, तो सिलेक्ट हो गया। इसके बाद सिलेक्ट होने के बाद माउस का बटन उसको हम छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद इसका राइट क्लिक, कॉपी, कॉपी हो गया तो हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इसको हम मॉडल को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे राइट क्लिक, एडिट, ट्रांसफॉर्म,
ट्रांसफार्म जाने के बाद यहाँ पे हम जेड को क्या करना, अभी ऊपर में है जेड तो हम माइनस करना पड़ता, प्लस में है तो माइनस करके माइनस इधर दे देंगे इसको जेड। ओके एक्सेप्ट, अभी जेड हमारा सेट हो गया, एक्स एक्स वाई जेड तीनों सेट हो गया। ओके एक हमारा टॉप व्यू में सेट हो गया एक्स वाई जेड। ओके सपोज हम हमारा अभी टॉप व्यू सिलेक्ट करें तो कौन सा आ रहा है, ये व्यू आ रहा है। ओके ये व्यू आ रहा है, सपोज हम क्या करेंगे, ये व्यू हमारे को प्रोग्राम करना है इसमें, ये व्यू में तो वो टाइम में क्या करेंगे, इसको रोटेट करना पड़ता, ये मॉडल जो है इसको रोटेट करना पड़ेगा। ओके इसको रोटेट करने के लिए हम कैसे करेंगे रोटेट, इसको हम सिंपल क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, पूरा सिलेक्ट करना पड़ता, सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक, एडिट में जाके एडिट में ऐसा एडिट में रखे तो आरो मार्क ऐसा बाहर आता, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद हम इसको रोटेट करेंगे कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेट करेंगे, कौन सा एक्सिस हमारा, एक्स इधर है, जेड इधर है, वाई ये फ्रंट में, तो हमारा को ये अभी ये हमारा टॉप है, तो हम किसको घुमाना, घुमाने के टाइम हमारा क्या घूम कौन सा घुमाया तो हमारे को आएगा इसको पोजीशन में आएगा वो देखना। अभी ऐसा देखे तो हमारा एक्स हमारा ये डायरेक्शन में एक्स का कुछ हमारा घूम उसके साथ रिलेशन नहीं है, उसको छोड़ देंगे। वाई जेड में घुमाए तो हमारे को ऐसा घूमेगा, वाई जेड में घुमाए तो हमारे को एक्स जिसको छोड़ दिया उसको हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, रेफरेंस पॉइंट तो उसको हम आज रेफरेंस उसको वो एक्सिस को ले तो हमारा एक्स जेड और वाई घूमेगा। ओके हम 90 घुमाना, 90 सपोज माइनस है, देख एक बार देख लेंगे, माइनस माइनस है, 90 माइनस देने के बाद हम किसको घुमाएंगे, वाई जेड को घुमाना है, एक्स हमारा कांस्टेंट है, जो एक्सिस कांस्टेंट रखना है उसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक्स के ऊपर, एक्स के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर दिया तो हमारा घूम गया मॉडल। अभी हम एक्सेप्ट करेंगे और टॉप व्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा क्या, ये था हमारा फ्रंट में आ गया टॉप में। ओके ये हो गया हमारा एक्स में घुमा दिया, और सपोज हमारा ये दो होल करने का है। ओके ये दो होल करना है तो कैसे सेट करेंगे, उसको भी हम सेट करेंगे, कैसा सपोज हम ये दो करेंगे तो पूरा मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, एडिट, ट्रांसफॉर्म, जाने के बाद हम किसको घुमाना, हमारा ये जो साइड है इसको टॉप में लेकर आने का, टॉप में ले गए तो हम कैसे घुमाएंगे, ऐसा घुमाना, ऐसा घुमाए तो क्या घूम रहा है, एक्स जेड घूम रहा है। ओके एक्स जेड घुमाने का हमारा, वाई कॉन्स्टेंट हमारा रहेगा, वाई में कुछ घूमने का नहीं है, एक्स जेड घूमेगा तो वाई कॉन्स्टेंट है, तो हम यहाँ पे सेम ऐसा करेंगे, माइनस में 90 रख के यहाँ पे वाई का ऊपर क्लिक करेंगे। ओके वाई का ऊपर क्लिक करें तो हमारा अभी टॉप करेंगे, टॉप करें तो ये हमारा इधर आ गया, ये भी आया, लेकिन हमारा को नीचे का चाहिए। ओके तो हम अभी क्या करेंगे, ये टाइम में क्या करेंगे, एक्स जेड को घुमाना है लेकिन 180 फिर घुमा देंगे, 180 वाई कांस्टेंट है। ओके अभी एक्सेप्ट टॉप व्यू, ऐसा हमारा ये हमारा टॉप में आ गया, जेड किधर है,
इधर है। सपोज हम जेड एक्सिस में घुमाना है, कैसे हमारा को हमारा ये साइड में ओरिजिन है, हम राइट साइड में अभी ओरिजिन है, ये लाइट है राइट है और ये फ्रंट में, हम क्या करेंगे हमारे को राइट नहीं हम लेफ्ट साइड में ओरिजिन करेंगे। ओके लेफ्ट साइड में ओरिजिन करने के लिए हम क्या करेंगे जेड को घुमाना पड़ेगा, एक्स वाई को घुमाना, अभी जेड कॉन्स्टेंट रहेगा एक्स वाई घुमाएगा, तो हम सेम सिलेक्ट करेंगे। ओके ऐसे सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक, एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में जाके 180 दे दिया पूरा घुमाने का 180 है, तो किसको हम कॉन्स्टेंट रखेंगे जेड को, हमारा वाई एक्स घूमने का तो जेड कॉन्स्टेंट रहेगा, तो जेड के ऊपर हम क्लिक करेंगे, कौन सा एक्सिस कॉन्स्टेंट रहेगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो उसका रेफरेंस में घूमेगा। ओके ये हमारा एक्सिस घूम गया, तो हमारा ये लेफ्ट में हो गया एक्स जीरो, वाई जीरो हमारा फ्रंट में हो गया। ओके ये हमारा हो गया, बेसिकली हमारा एक्स वाई सेट हो गया, और ओरिएंटेशन भी कैसा सेट करना वो भी मैं बता दिया। अगर हमारा को सपोज और एक भी ये एक्स्ट्रा टिप्स ये भी एक करके दिखा दे रहा है, अगर सपोज आप करने का कब करेंगे तो वो टाइम में आप हमारा आपको काम में आएगा। ओके सपोज मेरा ये होल में जीरो करने का है, ओके होल का सेंटर में जीरो करना, कैसे करेंगे इसको होल में सिलेक्ट करेंगे, होल का फेस जो है ना ये सरफेस उसको सिलेक्ट करके ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक में जाने के बाद सिलेंडर ले लेंगे, सॉरी बाउंड्री में सिलेंडर ले लेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। ओके इधर डिस्टेंस दिखा देगा सेंटर का डिस्टेंस, ये हमारा ये डायमीटर आ रहा है, ये सेंटर का डिस्टेंस है कितना, ये कितना, ओके कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस है, ये हमारा आ गया, तो हम यहाँ पे सेट करना कैसे, ये प्लस में दिखा रहे तो इसको हम कॉपी करेंगे। ओके कॉपी किया, मॉडल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, एडिट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में हमारे यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट कर दिया, तो ये प्लस में है तो यहाँ पे हम माइनस में लगाएंगे, प्लस है तो माइनस है तो माइनस है तो प्लस है तो। ओके कौन सा एक्सिस में मूव होगा एक्स, पहले हम एक्स सेट करेंगे, एक्स आ गया, नेक्स्ट हम करेंगे वाई, सेम होल का सरफेस सिलेक्ट किया, ब्लॉक में जाके इसको सर्किल ले लेते अच्छा रहेगा, सिलेंडर सॉरी कैलकुलेट। ओके एक्स हमारा जीरो हो गया, यहाँ पे देखो एक्स सेंटर का जीरो हो गया, वाई हमारा कितना, ये हमारा वाई है तो इसको हम सिलेक्ट किया, कॉपी इसको कैंसिल कर दिया, सेम सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, एडिट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करके इसको पेस्ट कर देंगे, ये भी हमारा प्लस में है तो माइनस लगाना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ओके ऑरिजिन सेट करने का टाइम, तो हम सेट करेंगे वाई, वाई को क्लिक करेंगे तो वाई हमारा सेट हो गया, अभी हम टॉप व्यू रखेंगे, अभी देखें तो होल सेंटर में आ गया हमारा जीरो, कभी ज़रूरत पड़ेगा तो होल सेंटर में करने के लिए तो ऐसे भी कर सकते, होल सेंटर में आ गया, और इसको हम और एक बार देख लेंगे बराबर आया कि नहीं, सिलेक्ट किया, ब्लॉक में गए, ब्लॉक में जाने के बाद यहाँ पे सिलेंडर, सिलेंडर जाने के बाद यहाँ पे एक्टिव एरोप्लेन रहेगा, कैलकुलेट। ओके ये देखिए एक्स जीरो वाई जीरो, सेंटर एक्स जीरो सेंटर वाई जीरो, यहाँ पर डायमंड दिखा रहे। ओके ये हमारा ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क प्लेन सेट करते कैसे रोटेट करते वो भी पूरा बताया, अगर फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आया कमेंट करता हूँ फिर एक वीडियो भी बना सकते। ओके आशा करता हूँ समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो फिर एक बार कमेंट कीजिए, वीडियो बना देगा।
लेकिन समझ में आएगा, अगर आप एक बार देखे तो समझ में नहीं आएगा, दो तीन बार देखे तो आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा, इतना क्रिटिकल नहीं है, सिंपल है। हाँ क्रिटिकल है, तो क्या क्रिटिकल है, हम जो ट्रांसफॉर्म से घुमा रहे शिफ्ट कर रहे तो ज़्यादा क्रिटिकल है। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाएगा मैं वर्क प्लेन में कैसे हम मॉडल को सेट करते हैं। वर्क प्लेन अभी हम ट्रांसफॉर्म में सेट कर दिया, जीरो सेट कर दिया ऑरिजिन, वर्क प्लेन में कैसे ऑरिजिन सेट करते हैं वो देखेंगे, और वर्क प्लेन में कैसे मॉडल को घुमाएंगे सेम यही मॉडल को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हम वर्क प्लेन यूज करना चाहिए या ट्रांसफॉर्म यूज करना चाहिए। ओके ओके फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर नहीं किया हो तो, क्योंकि मैं ऐसा वाला वीडियो डालते रहता हूँ। ओके लाइक जरूर कीजिए अगर आप लोग को पसंद आया तो, मेरा वीडियो लाइक करे तो मेरा थोड़ा मोटिवेट होता है वीडियो बनाने के लिए। ज़्यादा दिन से वीडियो नहीं बनाया, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बनाने के लिए। ओके थैंक यू फ्रेंड।